महासमुंद जिला के सागरा थाना क्षेत्र में तीन ट्रकों की टक्कर के बाद सभी वाहनों में भीषण आग लग गई। आग में जिंदा जलकर एक चालक की मौत हो गई, वहीं एक हेल्पर की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। खड़े ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर फरार है। आग से तीनों ट्रक जलकर खाक हो गए हैं। हादसा बुधवार रात 1 बजे भगत देवरी गाँव के पास हुआ। गुरुवार तड़के तीनों ट्रक में लगी आग पर काबू पाया जा सका। जानकारी के अनुसार रायपुर कोलकाता नेशनल हाईवे 53 पर सांकरा के पास राखाल लोडे ट्रक ब्रेक डाउन के कारण सड़क पर लापरवाही से खड़ा था। वाहन में इंडिकेटर भी ऑन नहीं थी। गाड़ी से उतार कर ड्राइवर आसपास कहीं चला गया था। बुधवार रात 1 बजे ओडिशा से रायपुर आ रहे केबल लोडे ट्रक ने पीछे से सड़क पर खड़े वाहन को जोरदार टक्कर मारा। वहीं उसके पीछे पीछे चल रहे सरेपाली की ओर से आ रहा आयल पेंट से भरा ट्रक खुद को संभाल नहीं सका और उसने भी दोनों गाड़ियों को पीछे से टक्कर मार दी। इस दौरान सड़क पर खड़े ट्रक को पीछे से दो ट्रकों ने एक के बाद एक टक्कर मार दी। सबसे पीछे वाले ट्रक में आयल होने के कारण उसमें भीषण आग लग गई, जिसने बाकी के दो ट्रकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। तीनों ट्रक भीषण आग से धू धू कर जलने लगे। आग के कारण बीच वाले ट्रक जिसमें केबल लोड था उसका ड्राइवर सद्दाम अंसारी उम्र 38 वर्ष केबिन में बुरी तरीके से फंस गया और उसकी जिंदा जलकर मौत हो गई। मृत ड्राइवर सद्दाम अंसारी मूर्ख से बिहार का रहने वाला था, जो पिछले कुछ सालों से पिथौरा के बागड़पारा में रहकर गाड़ी चलाने काम करता था। इधर लोगों ने तुरंत सागरा थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड ने तीनों ट्रकों में लगी आग को बड़ी मशक्कत के बाद बुझा सका। बीच वाले ट्रक में जिंदा जल गए ड्राइवर को बड़ी मुश्किल से ट्रक से बाहर निकाला गया। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि पीछे वाले ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हैं, इन्हें भी इलाज के लिए पिथौरा अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं खड़े ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर हादसे के बाद से फरार हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया बीच वाले ट्रक में हेल्पर भी था या नहीं इस बात का पता नहीं चल सका है। साकरा पुलिस ने कहा अगर जहां पर हादसा हुआ वहां मोड़ भी है, इसलिए पीछे से आ रहे दोनों ट्रक ड्राइवर वाहन को संभाल नहीं सके। उन्होंने बताया कि आग से तीनों ट्रक पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए हैं। सड़क पर खड़े तीनों ट्रकों को हटा ली गई है। दुर्घटना के बाद नेशनल हाईवे जाम हो गया था, जो ट्रकों के हटने के बाद सुचारू रूप से शुरू हो पाया है। जाम में फंसी गाड़ियों को धीरे धीरे निकाली जा रही है।